प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलने की मशीन है, ये तो सब जानते हैं। वो आए दिन कुछ न कुछ फर्जी बात बोलकर अपने भक्तों को खुश कर देते हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, सोचते हैं कि किसी को क्या ही पता चलेगा। ताजा मामला देखिए, मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुल चुकी है और इसी से मोदी घबराए हुए हैं। अब बात साधने के लिए एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उन्होंने ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाया है, ये कोरा झूठ है। 2018 से पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाले चंदे को गुप्त रखने की योजना खुद मोदी ने बनाई और आज उसकी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। सच तो ये है कि मोदी के आने से पहले 20,000 से ऊपर चंदा देने वाले हर डोनर को पूरी डिटेल बतानी पड़ती थी। इससे बचने के लिए मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लाई जिसमें चंदे को गुप्त रखने का इंतजाम किया गया था। मोदी सरकार ने हर कोशिश की थी चंदे के धंधे को गुप्त रखने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामला बिगाड़ दिया। मोदी के रिमोट से चलने वाले SBI ने भी चंदे के धंधे को गुप्त रखने के लिए कभी 3 महीने का टाइम मांगा, कभी बोला डिटेल्स नहीं है, लेकिन बाद में सब बता दिया। अब साफ हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट था जिसके मास्टरमाइंड PM मोदी है। झूठ की मशीन मोदी आज चुनावी बॉन्ड की पारदर्शिता की बात कर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सच में वो ऐसा मानते हैं तो क्या वो जनता को बताएंगे कि उन्होंने दवा बनाने वालों को टेस्ट में फेल हो जाने के बाद भी धंधा करने की अनुमति क्यों दी? भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिए? क्या प्रधानमंत्री ने CBI ED का दुरुपयोग करके लोगों से जबरन वसूली नहीं की? क्या चंदे की खातिर इस सरकार ने कुछ कंपनियों के लिए नियम बदले या नहीं? सच तो ये है कि चंदे के धंधे की पोल खुल चुकी है, ऐसे में ये झूठ की मशीन डैमेज कंट्रोल करने आ गई है, लेकिन ये जनता है सब जानती है।